नमस्कार, मैं संध्या सिंह। मेरी इस वीडियो में, इस चैनल में से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैं समय समय पर ऐसी जानकारी लेकर आपके सामने आई हूँ जो बहुत गूढ़ के रूप में थी और कुछ एक हाथों में ही थी। जो लोग इसके बारे में जान गए वो इसको एक गूढ़ रहस्य की तरह बताते आए, और जो लोग इससे ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं दे सकी। तो उसी तरह से आज मैं एक और चीज़ लेकर आई हूँ जिसको हम कहते हैं ऑरा। ऑरा, जैसा कि आपने देखा होगा, आप कहते हैं कि इसका ऑरा बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा सा फील होता है, हमें लगता है हम इससे बात करें या इसकी बात हमें अच्छी लगती है, ये ऑरा है। तो ऑरा हम कैसे जानते हैं? ये तो हमारा इंट्यूशन, हम से कहते हैं हम समझ गए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं आप इस ऑरा को देख सकते हैं? और इसके लिए कुछ एक कैमरे भी बने हुए हैं, लेकिन आप उसको अभ्यास के द्वारा सीख सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये ऑरा हमारा बनता कैसे है? तो पहली बात, ऑरा और आपके चक्र और आपके विचार, ये सारी चीज़ें बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपके विचार सही हैं, हाँ, कि भई आप जो जो विचार जिस चीज़ के लिए चाहिए तो आपका ऑरा अच्छा है, और अगर आपका ऑरा अच्छा है तो ज़रूर बात है कि आपका चक्र सारे सही हैं, बैलेंस्ड हैं। तो अब हम, ये तो हो गई वो बात कि किसी को गॉड गिफ्ट होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो जन्मजात पिछले जन्मों के कुछ कर्म लेके आते हैं, जो जन्मजात भाग्यशाली होते हैं, कुछ लोगों को अपना भाग्य बनाना पड़ता है। तो और कुछ लोग सोचते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें, बस एक ही इसमें चीज़ की ज़रूरत है कि आपकी इच्छा होनी चाहिए। तो आप ऑरा को, जैसे सात रंग हैं चक्र के, उसी तरह ऑरा के भी वही सात रंग हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ऑरा के लिए सब कैसे पता चलता है, ऑरा होता क्या है। जैसे ये हमारा हाथ है, इससे कुछ दूरी तक, जैसे आप देखेंगे कि एक लेवल के बाद आपका हाथ एक रिपल्शन की तरफ आ जाता है, यानी उसको लगता है कि दूर दूर। हाँ, तो ये ऑरा है, और ये ऑरा जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करते हैं, अपना चक्र को बहुत अच्छा रखते हैं और अभ्यास करते जाते हैं, ये ऑरा हमारा बड़ा होता जाता है। तो और आप ऑरा देखना भी सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आपको ऑरा रीडिंग सीखना है, ऑरा कैसे देखा जाए। तो अब ऑरा के बारे में, अब आपने अपना ऑरा अगर सही करना है तो सबसे पहले अगर आप चक्र अपने बैलेंस कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके चक्र बैलेंस्ड हैं तो आपका ऑरा सही है, क्योंकि चक्र बैलेंस करने का मतलब ही यही है कि आपके जो मन की जो चीज़ें हैं वो ठीक होती हैं। तो जब मन की चीज़ें ठीक होती हैं, ऑरा क्लीन होता है, तो आप एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी, यानी पॉजिटिव पर्सनालिटी, या जिसके बारे में कहते हैं कि भाई हाँ, इसको देख के बड़ा अच्छा सा लगता है, इसके आते ही हमें लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो इस तरीके का ऑरा, ऐसा नहीं है कि आप ऑरा को, आप जो है वो मिल गया, और ये ऑरा बदलता भी रहता है। हाँ, जब आपके विचार बदलते हैं तो आपका ऑरा बदलता है, और विचार बदलने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके परमानेंटली विचार किसी के बुरे या अच्छे रहते हैं, या नेगेटिव या पॉजिटिव रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई भी स्थितियाँ आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, तो आपका विचार बदलते हैं, आप नेगेटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो कंट्रोल जो है इतना आसान नहीं है साधारण हम जैसे गृहस्थ में बैठे हुए लोगों के लिए। तो उन परिस्थितियाँ, ठीक है, दो इंसान हैं, दोनों लोगों को सेम परिस्थितियों ने घेरा, तो कोई इंसान उसमें से जल्दी से बाहर आ जाता है, हाँ, और दोबारा से चार्जर हो जाता है। तो कोई होता है जो बहुत दिन लगाता है, और कोई होता है कभी उठ ही नहीं पाता है। जी हाँ, तो अब हम ऐसा क्या करें कि ऑरा हमारा अच्छा हो जाए, क्लीन हो जाए?
तो जैसे मैंने बताया किसी का ऑरा जिसमें लाल रंग की कमी है, तो वो लाल रंग का इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, किसी में नारंगी रंग की यानी ऑरेंज कलर की कमी है, तो वो नारंगी रंग के कपड़े पहन सकता है, कॉटन के, नेचुरल मतलब कॉटन सिल्क जो भी है। तो उसी तरीके का खाना, जी हाँ, वही खाने जैसे लाल रंग के खाने होंगे, लाल मिर्च है, टमाटर है, ऐसा कुछ, तो आपका जो है लाल रंग वाला ऑरा ठीक होगा। लाल रंग की ऑरा से हमारी फिजिकल बॉडी की जो वो होती है हेल्थ यानी स्वास्थ्य, उसमें फर्क पड़ता है। तो ऐसे करके आप अपने ऑरा को ठीक कर सकते हैं। उसमें से आपने देखा होगा ज्योतिषी कहते हैं कि आप ये रंग पहनिए, हाँ, तो पत्थर बताते हैं, मंत्र बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, लेकिन क्या आप ये सोचते हैं कि अगर आप मंत्र पत्थर, उससे भी सबसे जो पावरफुल चीज़ आती है वो आती है ध्यान यानी मेडिटेशन। तो आप मेरे जो क्रिया योग के बाकी के वीडियोस हैं उनको देखिए और अभ्यास करिए, और जहाँ आपको लगता है कि आपको एक पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरे कोर्सेज समय समय पर चलते रहते हैं, हिप्नोथेरेपी, इमेज हीलिंग, ऑरा रीडिंग ऑरा के लिए, और क्रिया योग जो पर्सनली चाहते हैं, बाकी मेरे वीडियोस में काफ़ी है। अगर उसको अभ्यास करेंगे तो वो आपको होना है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलें, जिससे आपको और एक नई जानकारी मिलती रहे। तो आज हमारा जो ऑरा के बारे में जो हम बात कर रहे हैं उसको समझिए, जितना जितना आप करते जाएंगे आपका ऑरा क्लीन होता जाएगा, फिर आप दूसरे लोगों का ऑरा भी देख सकेंगे। मेरा अगला वीडियो इस चीज़ पर होगा कि ऑरा कैसे देखा जाए, दूसरे लोगों का ऑरा कैसा देखा जाए। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।